A very fine good morning everyone. How are you? Everybody fine? I'm Ruchi Gupta, your EVS teacher. Class 4th, हम लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि आप लोगों की बुक्स अलग हैं और मैम कुछ डिफरेंट बुक्स से स्टडी करवा रहे हैं आपको, तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल गया है, क्लियर? अब आपकी बुक यही है, हालांकि बेटा वो वाली बुक एंड दिस वन दोनों सिमिलर हैं, इनके चैप्टर्स सिमिलर हैं, बट आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स आती थी क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स अलग थे, कुछ लेसन के टॉपिक्स अलग थे, तो आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी ना डिफरेंट होने की वजह से. तो सर ने आप लोगों के लिए ये बुक प्रोवाइड करवा दी है कि बच्चों के पास ये बुक्स हैं, तो हम लोगों को इसी बुक से स्टडी करनी है. ठीक है, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल गया. ओके, समझ में आया अब आपको? ठीक है, अब हम लेसन, हमारा कौन सा लेसन चल रहा था, लेसन फर्स्ट, आज हम इस लेसन को कंप्लीट कर देंगे. ठीक है, देखिए बेटा, लेसन फर्स्ट था हमारा, उस बुक में माय फैमिली और इसमें है आर फैमिली. इट्स अ सिमिलर, बात एक ही है, माय फैमिली मेरा परिवार, आर फैमिली हमारा परिवार, इट मीन्स सेम. अ फैमिली ट्री, इसमें हमने मैटरनल एंड पैटर्नल दोनों स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी, तो रिक्वायरमेंट नहीं है ना वापस समझाने की. हाँ, पैटर्नल चलो एक बार बता देते हैं. मैटरनल मदर वाले रिलेटिव्स, जहाँ नाना नानी मामा मौसी ये सब होते हैं, एंड पैटर्नल पापा वाले रिलेटिव्स, जहाँ दादा दादी चाचू चाची ये सब जने होते हैं. क्लियर? यस. नेक्स्ट वन मदर और चाइल्ड, ये हम रीड कर चुके हैं कि मम्मी का बचपन, ये हम कर चुके हैं. नेक्स्ट है बर्थ ऑफ बेबी, ये वाला टॉपिक हमने नहीं किया है, अब हम इसको कर लेते हैं. बर्थ ऑफ बेबीज, अ मदर गिव्स बर्थ टू अ बेबी, अ न्यू बॉर्न बेबी कैन नॉट डू एनीथिंग इटसेल्फ फॉर अ फ्यू मंथ्स, द मदर टेक्स केयर ऑफ ऑल इट्स नीड, शी फीड्स द बेबी एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम ऑल डेंजर्स. मदर गिव बर्थ, माँ क्या करती है, बच्चे को जन्म देती है. अ न्यू बॉर्न बेबी, न्यू बॉर्न मैम ने आपको बताया था, न्यू बॉर्न बेबी जो बच्चा अभी पैदा हुआ हो, अभी बॉर्न किया हो जिस बच्चे ने, तो वो बेबी कुछ महीनों तक, फ्यू मंथ, कुछ टाइम तक कुछ अपना वर्क नहीं कर सकता. द मदर टेक्स देयर और ऑफ ऑल इट्स नीड, तो उसको जो भी चीज़ की जरूरत होती है, मम्मा को पता लग जाता है मेरे बच्चे को भूख लग रही है, मेरे बच्चे के पेट में पेन हो रहा है, मेरे बच्चे को हेडेक हो रहा है, मतलब ये सारी फीलिंग्स माँ को पता लग जाती है, मदर को, और वो सारी उसकी ज़रूरतों को पूरा कर देती हैं. शी फीड्स, फीड्स माने दूध पिलाना, खाना खिलाना, ठीक है, पेट भरना. शी फीड्स द बेबी एंड प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मीन्स रक्षा करना, इट फ्रॉम ऑल डेंजर्स, और वो उनकी जो मम्मी होती हैं वो उनकी नीड्स को, उनको खाना वगैरह खिलाती हैं और उनको सभी जहाँ उन्हें खतरा होता है उनको रक्षा करती हैं, उनकी हर चीज डेंजर चीज से उनको बचाती हैं. लाइक ह्यूमन बींग, सम एनिमल लाइक काउ डॉग्स एंड कैट्स ऑल्सो गिव बर्थ टू डियर यंग वंस, जैसे कि मम्मा वगैरह, जैसे इंसान, आपने देखा है ना मम्मा के बेबी हुआ है, आपके चाची के बेबी हुआ है, ऐसे ह्यूमन बींग के बेबी होते हैं, इसी तरह एनिमल्स के भी होते हैं बेटा. ऑल लिविंग थिंग्स, सारे लिविंग थिंग्स बेबी करते हैं या फिर एग ले करते हैं. ठीक है, सम एनिमल लाइक बर्ड ले एग, कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, बेबी बर्थ नहीं करते तो वो एग देते हैं, जिस एग में से उनका बेबी आता है बाहर. फॉर एग्जाम्पल अ चिक ग्रू इनसाइड द एग, चिक हैन का बेबी होता है ना, तो वो हैन क्या करती है, एग देती है, और फिर वो उस एग में से चिक बड़ा होकर के निकल जाता है. जब वो चिक बड़ा हो जाता है तो वो एग फूट जाता है और वो बेबी बाहर आ जाता है. व्हेन इट इज रेडी टू कम आउट इट्स ब्रेक द एग शेल, और जब ये बड़ा हो जाता है तो एग टूट जाता है. अब है मैमल्स, मैमल्स क्या होता है, एनिमल दैट गिव बर्थ टू यंग वंस एंड फीड देम विद देयर मिल्क आर कॉल्ड मैमल्स. मैमल्स क्या होते हैं, मैमल्स होते हैं जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं, जो एनिमल्स अपने बेबी को बर्थ देते हैं और उन्हें फीड कराते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनको दूध पिलाते हैं,
वो क्या कहलाते हैं? मैमल्स. क्या कहलाते हैं? मैमल्स. क्लियर? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? यस. तो ये चैप्टर आज हमारा फिनिश हो चुका है. अब हम थोड़ा सा गेम मम्मा के साथ भी खेलेंगे. सर्कल द एनिमल दैट ले एग्स विद रेड क्रेयॉन एंड दोस दैट गिव बर्थ टू बेबीज विद ग्रीन क्रेयॉन्स. इसमें हमें सर्कल करना है. देखो, रेड क्रेयॉन से कौन से वाली? जो एनिमल्स एग ले करते हैं. क्लियर? वो जब बेबी को देते हैं तो वो एग में से आते हैं उनके बेबी. लायन ये क्या करता है? इसका बेबी होता है. काउ, काउ का बेबी होता है. गोट का बेबी होता है. बर्ड, बर्ड एग ले करती है. बर्ड क्या करती है? एग ले करती है. और तो इस पे हम कौन सा सर्कल करेंगे? रेड. इन पर ग्रीन. तो ये वाला गेम हमें मम्मा के साथ खेलना है और इनके बेबीज के नेम लिखने हैं. क्लियर? अडॉप्शन एंड फोस्टर पेरेंट्स. द मेंबर ऑफ अ फैमिली कैन बी रिलेटेड टू ईच अदर आइदर बाय बर्थ, मैरिज और अडॉप्शन. जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं कहीं ना कहीं हमारे रिलेटिव बन जाते हैं. जैसे कोई मम्मी, कोई पापा, कोई चाचू, चाची, मामा, मौसी, कोई ना कोई रिलेशन उनका हमसे होता है. तो क्या होता है, चाहे वो उसको बर्थ दें या तो वो पेरेंट्स उसको जन्म दें, बर्थ दें, तो हम जब हमारा जब बर्थ होता है तो हम बताते हैं ना, बेटा ये आपके चाचू हैं, ये आपके मामा हैं, ये आपके मामी हैं, ये आपकी बुआ हैं, बताते हैं. तो कहीं ना कहीं रिलेशन होता है हमारा उनसे. या फिर हमारी मैरिज हो जाती है तो मैरिज के बाद क्या होता है, हम पहले अननोन होते हैं, पहले हम उन्हें नहीं जानते. लेकिन जब मैरिज होकर के हम जाते हैं तो हमें पता लगता है कि अच्छा, ये मेरे हस्बैंड की भैया हैं, ये मेरे हस्बैंड की सिस्टर हैं, तो उनसे हमारा रिलेशन बन जाता है. या फिर हम किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं. अभी मैं आपको अडॉप्ट का बताती हूँ. व्हाट इज द मीन ऑफ अडॉप्ट? अडॉप्शन इज अ प्रोसेस बाय विच पीपल बिकम लीगल पेरेंट्स ऑफ अ चाइल्ड हु वॉज नॉट बॉर्न टू देम. अडॉप्शन होता है जो कि लीगल पेरेंट्स होते हैं, मींस कानूनी पेरेंट्स होते हैं, वो उस बेबी को बर्थ नहीं देते, जन्म नहीं देते, बट लीगली तौर पर वो उस बेबी को अडॉप्ट कर लेते हैं. कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, वो उसके पेरेंट्स नहीं है. ऐसे नहीं हर किसी को पेरेंट्स नहीं है, या पेरेंट्स हैं तो वो उन्होंने और उनके कोई बेबी नहीं है तो उन्होंने उस बच्चे को अपने पास लेना चाहा, तो वो लीगली, कानूनी तौर पर, लीगली तौर पर वो पेपर्स वगैरह पे साइन होते हैं और फिर कहते हैं अब ये बच्चा हमारा है. आज से जैसे हम इसको बर्थ दे करके इसकी केयर करते हैं, वैसे ही केयर अब हम करेंगे. तो इसके पूरी जिम्मेदारी अब हमारी है. अब आज से हम ही इसके पेरेंट्स हैं. तो वो होता है अडॉप्शन. व्हेन अ कपल अडॉप्ट अ चाइल्ड. जब एक कपल अडॉप्ट कर लेता है बच्चे को, अपना लेता है, द चाइल्ड बिकम अ मेंबर ऑफ दियर फैमिली. वो बच्चा क्या हो जाता है? उस फैमिली का मेंबर बन जाता है. अडॉप्टेड चिल्ड्रन गेट ऑल द लव एंड केयर दे नीड फ्रॉम द फैमिली. और अडॉप्टेड चिल्ड्रन, जो बच्चा अपनाया गया है, उस बच्चे को वही सारा प्यार, वही सारी उसकी जरूरत की चीज़ें दी जाती हैं जो अपने बेबी को दी जाती हैं. देयर आर मैनी रीजन्स फॉर अ कपल टू अडॉप्ट अ चाइल्ड. बेटा बहुत सारे रीज़न होते हैं बच्चे को अडॉप्ट करने के, कि अडॉप्ट क्यों किया जाता है. कपल हु कैन नॉट गिव बर्थ टू अ चाइल्ड अडॉप्ट वन. वो कपल जो बच्चे को जन्म नहीं दे सकता, बर्थ नहीं दे सकता, वो बच्चे को अडॉप्ट कर लेता है. समटाइम्स देयर आर नेचुरल डिस्टर्स एंड चिल्ड्रन आर लेफ्ट विदाउट पेरेंट्स. सम पीपल अडॉप्ट सच चिल्ड्रन. कुछ क्या होते हैं कि नेचुरली ऐसा होता है कि वो चिल्ड्रन पेरेंट्स के बिना होते हैं, मतलब उनके पेरेंट्स नहीं होते उन बच्चों के. अब ऐसा तो है नहीं, पेरेंट्स के थ्रू ही तो उस बच्चे का जन्म हुआ है, पर कोई छोड़ जाता है अपने बच्चे को, या फिर कोई डेथ हो जाती है, कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई भी रीजन हो सकता है. तो उसकी वजह से वो बच्चे को, फिर उस बच्चे को क्या करते हैं, अपना लेते हैं कि ठीक है अब इस बच्चे की केयर मैं करूँगा, इसका कोई नहीं है तो इसके हम हैं, तो वो उसके पेरेंट्स बन जाते हैं. सम पीपल हेल्प इन ब्रिंगिंग अप अ चाइल्ड फॉर अ फ्यू मंथ्स ऑफ ईयर. लेकिन दो चीज़ें होती हैं, जो अडॉप्ट करते हैं वो लाइफ टाइम, उसके पेरेंट्स होते हैं. अडॉप्शन में लाइफ टाइम जो बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं उसके पेरेंट्स रहते हैं, लेकिन फोस्टर पेरेंट्स में ऐसा नहीं होता. फोस्टर पेरेंट्स में होता है
सम पीपल हेल्प इन ब्रिंगिंग अप अ चाइल्ड फॉर अ फ्यू मंथ्स और ईयर, कुछ महीने या कुछ सालों के लिए उस बच्चे की हेल्प करने के लिए उसको अपने पास ले आते हैं। दे डू नॉट अडॉप्ट द चाइल्ड लीगली, वो कानूनी तौर पे उस बच्चे को नहीं अपनाते, लेकिन कुछ महीने या कुछ साल के लिए अपने पास, कुछ मंथ या ईयर के लिए अपने पास रखते हैं। सच पीपल आर कॉल्ड फॉस्टर पेरेंट्स, ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, फॉस्टर पेरेंट्स। क्लियर? अब ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो देखिए बेटा, अब हमें क्या करना है, सी हियर, फिलअप्स करने हैं हमें होमवर्क में। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर डेट मेंशन करनी है, डेट मेंशन करेंगे, आज क्या डेट है, 17, सो यू राइट हियर 17, जुलाई है तो 07 and 2020, क्लियर। यहाँ पर आप होमवर्क लिखेंगे, देन मैम ने इनके आंसर लिख दिए हैं, बट वैसे आपको आने चाहिए मदर इज फैमिली, मदर्स फैमिली इज द डैश फैमिली। मदर की फैमिली क्या कहलाती है, मैटरनल। अ चिक कम्स आउट ऑफ द शेल ऑफ एन, किसमें से आता है चिक बाहर, एग में से। अ डैश कम्स फ्रॉम इट्स मदर्स बॉडी, कौन आता है मदर की बॉडी में से बाहर, बेबी। तो इस तरीके से आपको ये सारे फिलअप्स करने हैं। अब है हमारा क्वेश्चन आंसर्स, व्हाट इज अडॉप्शन, अडॉप्शन क्या है, आप लोग मार्क कीजिए ये वाला। अडॉप्शन इज अ प्रोसेस बाय विच, ये वाला पॉइंट है आंसर वन, क्लियर। सेकंड, वेयर डज द ह्यूमन बॉडी कम फ्रॉम, सेकंड का आंसर है अ बेबी ग्रोज इनसाइड, ये वाला, एंड आप इस पे मार्क करिए और आंसर लिखिएगा। नंबर थर्ड, व्हाट आर फोस्टर पेरेंट्स, फोस्टर पेरेंट्स क्या होते हैं, फोस्टर पेरेंट्स हेल्प इन ब्रिंगिंग अ चाइल्ड, ये होते हैं। तो आप नंबर थर्ड यहाँ मेंशन करिए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैटरनल एंड पैटर्नल रिलेटिव्स, मैटरनल और पैटर्नल रिलेटिव्स में क्या डिफरेंस होता है। मैम बता चुके हैं मैटरनल मदर वाली साइड एंड पैटर्नल फादर वाली साइड। तो पेज नंबर वन पर आ जाइएगा एंड इसमें देखिए, पीपल हु आर रिलेटेड टू अस थ्रू आर मदर आर आर मैटरनल रिलेटिव्स, एंड पीपल रिलेटेड टू अस थ्रू आर फादर आर पैटर्नल रिलेटिव्स, क्लियर। क्वेश्चन फोर हो गया है, एक क्वेश्चन मैम ने अपनी तरफ से दिया है, व्हाट आर मैमल्स, मैमल्स क्या होते हैं, अभी बताया मैम ने आपको मैमल्स क्या होते हैं, इस पर मार्क कर लीजिए आंसर फाइव, ठीक है, आंसर फाइव ये आपने मार्क कर लिया। अब ये सारा आप अपने मम्मा के पास बैठ करके करेंगे, कंप्लीट द इंफॉर्मेशन अबाउट योर मदर, कि मम्मा का बर्थ कहाँ हुआ था, मम्मा की मैरिज, बिफोर मैरिज मम्मा का क्या नेम था, ये सारी चीज़ें आप अपनी मदर के पास बैठ करके करेंगे, ठीक है। तो ये सारा वर्क हमें अपनी मम्मा से पूछ के और उनके पास बैठ करके करना है। ओके, थैंक्स बेटा।